आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल फ्लोइंग अंबा रिवर, और इसकी हाइट देखिए लगभग 3 फुट अबव द ग्राउंड रहने वाली है। इसके 16 फीट का गेट, यानी इसमें आपकी गाड़ी एसयूवी ट्रक भी आ जाएगा। ये इलेक्ट्रिसिटी के पोल है तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोविजन भी है। यहाँ से जैसे मैंने कहा पानी का कनेक्शन भी आपको दे दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वॉन्डरर पाटिल में। दोस्तों आज मैं आया हूँ खोपोली, और खोपोली में क्यों, क्योंकि आप में से काफी दर्शकों ने मुझे कॉल किया है इन द पास्ट 2-3 मंथ्स, और वो जानना चाहते थे कि क्या वो एक ऐसा प्लॉट ले सकते हैं जो बजट में भी हो, जहां पर उन्हें एक ऐसा लैविश मैंशन नहीं बनाना लेकिन एक फार्म हाउस बनाना है। और उसी के साथ मैंने उनको कहा था कि देखिए नवी मुंबई और पनवेल के अराउंड भी प्रोजेक्ट्स है, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स एंड यूज के लिए नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है। फिर मैंने और एक ब्लॉग बनाया जहाँ पर लग्जरी वाले प्रोजेक्ट्स थे, वो गेटेड कम्युनिटी, लेकिन गेटेड कम्युनिटी के अलावा वहाँ पर बजट और टिकट साइज काफ़ी बड़ा था, और प्लॉट जो आपको मिल रहे थे थोड़े छोटे मिल रहे थे, लेकिन वो भी अच्छे प्लॉट थे। आज मैं ना आपको लेकर आया हूँ जंगल ब्रुक्स खोपोली। वैसे यहाँ से इमेजिका बहुत नज़दीक है, और यहाँ पर जो प्लॉट्स है ना वो है बिग साइज टिकट आइटम, बट एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। आज हम जाएंगे अंदर, देखेंगे प्राइसिंग क्या है, प्लॉट्स कैसे हैं, आप वहां पर किस तरफ का मकान बना सकते हैं, किस तरीके से बना सकते हैं, कौन से अमेजिंग प्रेफर्ड लोकेशंस है विद इन दिस कम्युनिटी। यानी आपको जाकर रिवर साइड के भी प्लॉट्स मिलेंगे, आपको जंगल साइड के प्लॉट्स मिलेंगे, आपको जो व्यू चाहिए वैसा प्लॉट्स मिलेगा, एक अच्छी गेटेड कम्युनिटी का एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे जंगल ब्रुक्स, एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज इंश्योर यू आर सब्सक्राइबिंग इट, क्योंकि ऐसे ही प्लॉट्स, ऐसे ही प्रॉपर्टीज में आपको दिखाते रहूंगा इन एंड अराउंड नवी मुंबई, पनवेल, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो चलिए ज्यादा समय नहीं बिताते हैं और ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, आइए। तो दोस्तों थोड़ा कनेक्टिविटी के बारे में आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये जो रोड है ना, ये आ रहा है फ्रॉम वाकन, और ये कनेक्ट करता है मुंबई गोवा ओल्ड हाईवे को, और इवेंचुअली पुणे को भी कनेक्ट करता है। यहाँ से आप देख लीजिए, इस बगल से हम जब जाएंगे तो ये कनेक्ट करेगा टुवर्ड्स खोपोली, और खोपोली से आपका जो एग्जिट है वो जो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे है वहां पर जाएगा। सो कनेक्टिविटी के पर्सपेक्टिव से दिस इज अ वेल कनेक्टेड प्रॉपर्टी, वेल कनेक्टेड लोकेशन। वैसे हमारे पास जीप है, वो लेकर हम अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे प्लॉट्स कैसे कैसे हैं। सिक्योरिटी केबिन एंट्रेंस पर ही है, सो दिस इज ए गेटेड कम्युनिटी विद सिक्योरिटी। इसके अलावा आपको सीसीटीवी कवरेज भी मिलेगा, यानी फ्रॉम सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव दिस प्रॉपर्टी हैज बीन टेकन केयर ऑफ। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं पर जमीन ले ली, अब वहां पर सिक्योरिटी अलग से आपको रखनी है तो वो एडिशनल कॉस्ट, तो वो सारा तामझाम नहीं है, दिस इज व्हाट यू गेट विद द प्रॉपर्टी। इसके अलावा देखिए एंट्रेंस पे एक बार आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर है ना रोड भी है, तो आप जब कहीं और प्लॉट लेते हैं जो डेवलप नहीं होते, आपको रोड नहीं मिलते, तो वो एडिशनल एक्सपेंस आपका आ जाता है, स्पेशली अगर मैं उसको कंपेयर करूँ पनवेल के जो प्लॉट है उससे, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम रेट पर आपको यहां पर मिल रहा है, बट व्हाट यू आर गेटिंग इज अ डेवलप्ड, नॉट एक्सीलेंट, नॉट लैविश, बट अ डिसेंट कम्युनिटी लिविंग एक्सपीरियंस। तो अब हम जाएंगे अंदर और देखेंगे, चलिए। दोस्तों आ चुके हैं अंदर, और आप देख सकते हैं मेरे दोनों तरफ आपको प्लॉट दिखेंगे। अब इनके कुछ बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं और एडवांटेजेस हैं, अब वो क्या है मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में। आप देखिए यहाँ पर आपको दिखेंगे कि ऑलरेडी यहाँ पर प्लांटेशन है, काफी बड़े बड़े पेड़ ऑलरेडी है। इसके अलावा जो डेवलपर है वो क्या कर रहे हैं कि आपको है ना, ये जो वॉल कंपाउंड है, ये वॉल कंपाउंड आपको वो बनाकर दे रहे हैं। इसकी हाइट है 3 फीट ओवर द ग्राउंड एंड 2 फीट बिलो द ग्राउंड, यानी 5 फीट की वॉल है। सो ये जो तामझाम होता है ना, जनरली आप जब कोई प्लॉट खरीदते हैं और वो डेवलप प्लॉट ना हो तो ये सारा काम आपको करना पड़ता है। यहाँ पर वो जो आपका स्ट्रेस है इज टेकन केयर ऑफ। इसके अलावा आपको क्या मिलता है, देखिए लोकेशन देख लीजिए, इट्स कंप्लीटली ग्रीन जोन, हरियाली ही हरियाली है। वी आर इन अक्टूबर, और इमेजिन कीजिए मई में जब धूप बढ़ती है तब यहाँ पर टेम्परेचर उतना बढ़ेगा नहीं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ग्रीनरी है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वो कैसे प्रोवाइड किया जाएगा मैं आपको बताता हूँ, आइए। ये जो इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल्स आपको दिख रहे होंगे, ये हर एक प्लॉट में उन्होंने डाल के रख दिए हैं। सो ऑल यू हैव टू डू इज प्लग एंड प्ले, यानी आपने अपना घर बना लिया, अब आपको सिर्फ उस वायर को खींचकर मीटर बॉक्स में डालना है एंड इट्स डन।
रही बात, आपको शायद दूसरा सवाल भी आएगा, वो भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, आपको सही सवाल आ सकता है कि अब इलेक्ट्रिसिटी इज टेकन केयर ऑफ, व्हाट अबाउट वाटर? यहाँ पर थ्री सोर्सेस ऑफ वाटर है। एक आता है आपका बोरवेल, दूसरा यहाँ पर एक वेल है, उससे भी पानी फेच हो सकता है, एंड द थर्ड वन इज रिवर है। क्योंकि जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा ना, प्रिफर्ड लोकेशन के भी प्लॉट्स है, तो रिवर फेसिंग प्लॉट्स भी अवेलेबल है और वो पानी भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ऑब्वियसली यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द ओवरऑल यू नो इकोसिस्टम ऑफ दिस प्लेस। तो आई एम श्योर आप अगर ऐसे व्यूअर है जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो प्रेफर करते हैं नेचर के नजदीक रहना, सो यू विल बी वेरी वेल अवेयर ऑफ यू नो हाउ यू टेक केयर ऑफ द नेचर। लेकिन अमेजिंग लोकेशन। अब आगे जाकर मैं आपको दिखाता हूँ सिर्फ यह वॉल लाइनिंग नहीं, इसके अलावा भी आपको और क्या क्या मिलने वाला है यहाँ पर। चलिए जाकर देखते हैं, खुश हो जाएंगे आप। तो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस प्रोजेक्ट का सबसे यूनिक फीचर जिसके बारे में बात कर रहा था, रिवर फेसिंग प्लॉट्स। अब आप देख सकते हैं हम अंदर की तरफ आ चुके हैं और यहाँ से हम जाएंगे नीचे की तरफ। ये सारे प्लॉट्स हैं, नीचे की तरफ जाएंगे और आपको दिखाएंगे रिवर फेसिंग प्लॉट्स। इट्स जस्ट अमेजिंग, हैव अ लुक एट इट, प्लीज जॉइन मी, वी विल एक्सप्लोर इट टुगेदर। तो दोस्तों, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ना, डिडंट आई जस्ट टेल यू दिस प्लेस इज सिंपली अमेजिंग। आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल फ्लोइंग अंबा रिवर, और जो प्लॉट्स के बारे में मैं आपको बता रहा था, दे आर एग्जैक्टली ऑपोजिट द रिवर। इनफैक्ट अगर मैं आपको बता पाऊँ, यहाँ से ये प्लॉट्स है सारे, और ऊपर की तरफ है ना हिल व्यू भी है, तो वो प्लॉट्स के ऑप्शंस भी अवेलेबल है। जस्ट इमेजिन बारिश हो रही है और आप अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वुडंट दैट बी सिंपली अमेजिंग? और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, आप कॉस्ट देखिए, इट इज एट सच एन अफोर्डेबल प्राइस बियॉन्ड इमेजिनेशन। अब हम क्या करेंगे, हम जरा ऊपर की तरफ देखेंगे, आपको और एक दो चीजें दिखानी है, क्योंकि ऑल्दो दिस इज गेटेड कम्युनिटी, और जैसे मैंने आपको कहा ना, ये लग्जरी सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी नहीं है, बट दिस इज जस्ट अबव यू नो द टिपिकल प्रॉपर्टी बेंचमार्क एंड स्लाइटली बिलो द लग्जरी सेगमेंट। यहाँ पर आप जो घर बनाएंगे वो किस तरीके से बनाएंगे, सब कुछ उस पर डिपेंडेंट होता है। नॉट जस्ट दैट, देयर इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी एज वेल, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है, ये इसका 7 बार आपके नाम पर हो जाएगा व्हेन दैट हैपेंस। और आप जब घर बनाएंगे तो आप शॉर्ट टर्म लीजिंग, यानी जो दूसरी कंपनीज होती है, या तो एयरबीएनबी हो सकती है, या तो आप खुद एक छोटा सा रिसॉर्ट जैसा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। थिंक अबाउट इट, इट्स एन इन्वेस्टमेंट which will make you money and it will make money for you while you are sleeping. चलिए जाकर देखते हैं बाकी की चीजें। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको मिलेगा हिल व्यू भी। ये देखिए प्लॉट, और इसके ऑपोजिट में देखिए, इट्स कंप्लीट ग्रीनरी। इमेजिन कीजिए ये व्यू फ्रॉम योर बालकनी, और लाइफ टाइम व्यू। नॉट जस्ट दैट, थोड़ा आगे जाकर यहाँ पर सीजनल रिवर भी है, यानी बरसात के समय में देर आर यू नो कैनल्स, देर आर अदर वाटर बॉडीज जो उस नदी में जाकर इवेंचुअली मिलती है, तो यहाँ पर सीजनल रिवर जैसे हम कहते हैं ना, वो भी है। और इमेजिन कीजिए ऐसी शांति वाली जगह पर आप हर वीकेंड आ सकते हो। अगर नहीं भी आए तो आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को रेंट पर दे सकते हो, शॉर्ट टर्म लीजिंग का जो ऑप्शन है, 1 हफ्ते के लिए, 2 दिन के लिए, ओनली ऑन वीकेंड्स, एंड यू विल स्टिल कंटिन्यू टू मेक मनी। है कि नहीं, सोने पे सुहागा और फायदे का सौदा। बट आई जस्ट लव दिस लोकेशन। चलिए अब आगे जाकर दिखाता हूँ आपको कि प्लॉट साइज क्या रहने वाली है, पेमेंट ऑप्शन क्या क्या है, बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज इज मनी, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो वो हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आपके पास पेमेंट ऑप्शन है, आप कैसे यहाँ पर आके विजिट करके देख कर
और क्या क्या डील्स आपके लिए अवेलेबल है। वैसे ज़्यादा मल्टीपल डील्स नहीं है, बट द रेट्स आर वेरी कम्पेटिटिव और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में बहुत कम इतनी अच्छी लोकेशन के लिए ऐसे रेट ऑफर किए जा रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप कितना बड़ा घर बांध सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। चलिए जाते हैं और समझते हैं। दोस्तों आइए आपको दिखाता हूँ अब एक्चुअल प्लॉट, उसकी बाउंड्री कैसे रहने वाली है। शुरुआत में तो आपको दिखा दिया था लेकिन आपको शायद थोड़ा अंदाजा नहीं आया होगा। ये देखिए, ये है वॉल और इसकी हाइट देखिए, लगभग 3 फुट अबव द ग्राउंड रहने वाली है। इसके अलावा आपको जो बना के देने वाले हैं वो है ये 16 फीट का गेट, यानी इसमें आपकी गाड़ी, SUV, ट्रक भी आ जाएगा, इतना बड़ा ये गेट रहने वाला है। और यहाँ पर अगर आप आगे आएंगे तो देखेंगे, ये देखिए इस साइड में ये इलेक्ट्रिसिटी के पोल है, तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोविजन भी है। यहाँ से जैसे मैंने कहा आपको कनेक्शन मिल जाएगा, पानी का कनेक्शन भी आपको दे दिया जाएगा, तो यहाँ से पानी का कनेक्शन भी दिया हुआ है प्रॉपर्टी के अंदर। ये जो दिख रहा है आपको सैंपल, ये है लगभग 10 गुंठा, यानी ऑलमोस्ट 10,000 square feet इज द साइज। और आपके मन में सवाल होगा कि इसकी प्राइसिंग क्या है, तो देखिए फिलहाल जो प्राइस है वो है 399 per square feet, यानी लगभग 40 लाख में आपको इतनी बड़ी जगह विद कंपाउंड वॉल, विद गेट, विद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, विद वाटर सप्लाई, सारी चीजों के साथ मिलेंगी। नाउ दिस इज एन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी, लेकिन आप यहां पर घर बांध सकते हैं, G+1 का आराम से बन जाएगा। लगभग अगर मैं कहूँ तो 1.5 से 2,000 square feet का आप घर यहाँ पर बांध सकते हैं। यहाँ पर आप अपना स्विमिंग पूल भी बना सकते हैं, यहाँ पर आप एक छोटा फार्म, बड़ा फार्म, जो भी कह लीजिए वो कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा ना, शॉर्ट टर्म लीज पे ऐसी प्रॉपर्टीज हाथों हाथ चली जाती है, ये इस प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब मान के चलते हैं कि आपके यहाँ पर आपने किसी को लीज पर दे दिया, वीकेंड होम के हिसाब से किसी को आपने रेंट पे चढ़ा दिया, लेकिन अब लोग यहाँ पर आके करेंगे क्या? देर आर ऑप्शंस, यहाँ पर टर्फ है, चिल्ड्रन प्ले एरिया का प्रोविजन है, आगे जाकर यहाँ पर रेस्टोरेंट भी बनाने का प्रोविजन है, सो दैट द गेस्ट और यू, आप में से अगर कोई भी आए उस जगह का, वो पूरा एडवांटेज ले सके, रिलैक्स हो सके, और ऐसा लगना चाहिए कि आपने जो पैसा निवेश किया वो बिल्कुल सही निवेश था और वो निवेश आपको रिटर्न भी दे रहा था। सो है आपको जो सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी इस लोकेशन के बारे में, जो दर्शक मेरे ये जानना चाहते थे कि हमें कहाँ पर पैसा निवेश करना चाहिए, हमें फार्म हाउस के लिए कोई ज़मीन, ये देखिए, दिस इज योर ऑप्शन, अ गोल्डन चांस। प्लीज कॉन्टैक्ट द नंबर गिवन बिलो इफ यू हैव एनी डाउट्स, दे विल गेट इट क्लैरिफाइड फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, दिस इज वांडरर पाटिल साइनिंग ऑफ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैव नॉट। थैंक यू सो मच, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।